नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। दोस्तों, बिहार के पर्यटन जिलों के पर्यटन स्थलों में जानने के क्रम में आज हम गोपालगंज जिले की बात करेंगे। गंडक नदी के पश्चिमी तट पर बसे इस जिले के इतिहास को देखें तो यह मध्यकाल में चेरो राजाओं और अंग्रेजों के समय यह हथवा राजा का केंद्र रहा है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व रेल मंत्री लालू यादव का यह गृह जिला अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं वहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों के बारे में। पहला आता है थावे मंदिर। यह मंदिर गोपालगंज का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित दुर्गा मंदिर को हथवा राजा ने बनवाया था। मंदिर के नजदीक एक क्रॉस के आकार का विशाल पेड़ है। इस पेड़ का अभी तक वानस्पतिक वर्गीकरण नहीं किया जा सका है। मंदिर के बारे में एक बहुत प्रचलित जनश्रुति है कि यहाँ रहशु नाम के माँ दुर्गा के एक सच्चे भक्त रहते थे, जिन्हें वहाँ के राजा मरण सिंह ने ढोंगी बताते हुए देवी को बुलाने की चुनौती दी। रहशु ने राजा से मिन्नत की कि अगर देवी यहाँ आएगी तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, परंतु राजा ने अपना हठ नहीं त्यागा। अंत में विवश होकर रहशु देवी की प्रार्थना में लीन होकर उन्हें वहां आकर दर्शन देने की स्तुति करने लगे। उनके बुलावे पर देवी कामाख्या से चलकर कोलकाता, पटना और आमी होते हुए थावे पहुंची। देवी के पहुंचते ही राजमहल के समस्त भवन गिर गए और राजा की मौत हो गई। देवी ने जहां दर्शन दिए वहां एक भव्य मंदिर है जो माता थावे वाली के मंदिर के तौर पर विख्यात है। थोड़ी ही दूरी पर रहशु भगत का भी मंदिर है। मान्यता यह भी है कि जो लोग माता थावे वाली के दर्शन के लिए आते हैं वे रहशु भगत के मंदिर में भी जरूर जाते हैं। इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर के समीप ही मनन सिंह के भवनों का खंडहर आज भी मौजूद है। दूसरा है प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक श्री पीताम्बरा पीठ। कुचायकोट जगह में स्थित माता बंगलामुखी मंदिर पीताम्बरा पीठ के रूप में स्थित है। महर्षि शिवानंद परमहंस द्वारा स्थापित यह मंदिर शत्रु विजय सहित अन्य असाध्य बाधाओं के समन करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु है। आगे हम दिघवा दुबौली की बात करेंगे। यह एक गांव है। यहाँ पिरामिड के आकार के दो टीले हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक टीला एक पिरामिड आकार का है, जिसके आधार पर चारों कोणों को काफी बाहर की ओर पेश किया गया है ताकि इसमें से किसी एक टीले की जमीनी योजना एक शंकु द्वारा केंद्रित रूप से अग्रगामी तारे के समान दिखे। ये टीले मिट्टी से बने प्रतीत होते हैं, लेकिन ईंट और मिट्टी के बर्तनों के छोटे टुकड़ों के साथ मिश्रित होते हैं। कहा जाता है कि ये प्राचीन और असाधारण पिरामिडनुमा टीले यहाँ शासन कर रहे चेरो राजा के द्वारा बनाए गए थे। फिर आता है हुस्सेपुर। गोपालगंज जिले का यह गांव पहले हथुआ महाराज की गतिविधियों का केंद्र था। यहां पर झरना नदी के किनारे हथुआ महाराज द्वारा बनाया गया किला है, जो कि खंडर का रूप ले चुका है। किले के पूर्वी भाग में 14 छोटे टीले हैं। कहा जाता है कि यहां पर राजा बसंत शाही की पत्नी ने अपने 13 दासियों के साथ अपने मृतक पति का सिर गोद में रखकर आहुति दे दी थी। अगला है लकड़ी दरगाह। यहाँ पर पटना के मुस्लिम संत अर्जुन का मकबरा है, जहाँ पर लकड़ी की बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। यहाँ के शांत वातावरण से आकर्षित होकर वो यहीं बस गए थे। उन्होंने 40 दिन का एक चिल्ला या धार्मिक चिंतन किया था। उन्होंने एक धार्मिक प्रतिष्ठान भी स्थापित किया जो सम्राट औरंगजेब द्वारा संपन्न था। संत की मृत्यु की सालगिरह हर साल रबी उन्सानी की 11वीं तारीख को मनाई जाती है, जो एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है। आगे हम बात करेंगे भोरे की। यह इस जिले का एक प्रखंड है जहाँ शिवाला और रामगढ़ दो जगह है। शिवाला में भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। रामगढ़वा के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में राजा भूरिशवा की राजधानी थी। राजा भूरिशवा महाभारत के युद्ध में कौरवों के 14वें सेनापति थे। इस स्थान पर खुदाई करने पर आज भी महलों के प्राचीन भग्नावशेष और वस्तुएं मिलती है। ऐसी मान्यता है कि राजा भूरिशवा के नाम पर ही इस स्थान का नाम भोरे पड़ा है। जिले में थावे महोत्सव का आयोजन प्रत्येक साल होता है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कई कलाकार आते हैं एवं भव्य प्रस्तुति देते हैं। थावे मंदिर में चैत्र के महीने में एक विशाल मेला भी लगता है। तो दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों में हमने आज आपको गोपालगंज जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।